डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को अपना चैंबर रास नहीं आया और अब डिप्टी सीएम बैरवा को दूसरा ऑफिस दिया गया है। अब सचिवालय मुख्य भवन में कमरा नंबर 4125 उन्हें अलॉट किया गया है। इससे पहले यह कमरा महेश जोशी का चैंबर हुआ करता था। महेश जोशी जो जलदाय मंत्री थे और जयपुर की ही 19 विधानसभा सीटों में से एक सीट से हवा महल से वो विधायक थे और अब महेश जोशी का जो कमरा था, कमरा नंबर 4125, वो डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा को अलॉट किया गया है। इससे पहले उन्हें कमरा नंबर 2119 दिया गया था। हालांकि ये कमरा इससे पहले जो मंत्री रह चुके हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका था, लेकिन ये कमरा प्रेमचंद बैरवा को रास नहीं आया। उन्होंने अपना कमरा बदलवा लिया है और मेरे सहयोगी भरत राज जुड़ गए हैं। सीधे भरत का रुख करते हैं। भरत, इससे पहले कमरा नंबर 2119 अलॉट हुआ था और अब कमरा नंबर 4125 अलॉट हुआ है, क्या अंतर है दोनों कमरों में और किस वजह से ये चैम्बर में तब्दीली हुई है? देखिए, सुविधाओं के हिसाब से देखकर ही जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अपना जो चैम्बर है बदलने के लिए कहा था और सचिवालय के अधिकारियों को, और सचिवालय के अधिकारियों ने, क्योंकि अभी किसी मंत्री को कमरे अलॉटमेंट नहीं हुए हैं, सारे चैम्बर्स खाली पड़े हैं, तो उनमें से ये जो पहले मंत्री जलदाय मंत्री थे महेश जोशी, उनका चैम्बर भी उनको दिखाया था और उनके जो स्टाफ ने वो पसंद किया। उसके बाद में उन्हें जो 4125 रूम नंबर है वो उन्हें अलॉटमेंट कर दिया गया है और अब वो नई जगह पर लोगों से मिलेंगे। पहले इन्हें पूर्व मंत्री जी प्रताप सिंह खाचरियावास जहाँ बैठते थे 21-19 में, वो चैम्बर दिया था और वहीं पर उन्होंने परिवार के साथ में पदभार ग्रहण किया था और अब इनका जो चैम्बर है वो बदला गया है। इनके वहाँ पर एक वहाँ पर पीए के साथ ही अन्य जो रूम है अटैच है, इसके साथ ही अन्य फैसिलिटी वहाँ पर बेहतर है, इसलिए उन्होंने अपना चैम्बर बदलने के लिए कहा था और अब सचिवालय के अधिकारी ने उनका चैम्बर बदल दिया है और अब वो नई जगह पर लोगों को मिलेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया भरत आपका इस जानकारी के लिए।